हेलो, गुड आफ्टरनून दोस्तों, बच्चों। आज हम कक्षा 12वीं का एक नया चैप्टर चालू करते हैं, जो है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में चर्चा करते हैं। अभी जो रिवीजन टेस्ट हुआ है, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में, और अधिकांश बच्चों के द्वारा इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट तो किया गया है, लेकिन जो पूरी टेक्निक है, उस टेक्निक के बारे में उसमें उसके अंदर नहीं लिखा हुआ है। तो हम थोड़ा सा इसको डीपली स्टडी करते हैं कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक्चुअल में होती क्या है। आप सभी पहचानते हो, यहाँ पर एक शब्द आया, फिंगरप्रिंटिंग। तो आप फिंगरप्रिंटिंग के बारे में जानते हो, फिंगरप्रिंटिंग क्या होता है? आप सभी पहचानते हो कि प्रत्येक व्यक्ति का जो अपना फिंगरप्रिंट होता है, वो एक अलग 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 होता है। हर व्यक्ति का अपना एक फिंगरप्रिंट होता है। उसी प्रकार से एक शब्द यहाँ पर जोड़ के रखा हुआ, डीएनए का। तो डीएनए का कुछ पोर्शन व्यक्तियों में ऐसा होगा जो कैसा होगा, यूनिक होगा। जिस प्रकार से फिंगरप्रिंटिंग या फिंगर की जो लाइनें होती है, जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं, वो इंडिविजुअल व्यक्ति के कैसे होते हैं, यूनिक होते हैं। उसी प्रकार से क्रोमोसोम में डीएनए का जो पोर्शन, कुछ पोर्शन ऐसा है वो कैसा होगा, यूनिक होगा। एंड उसको फाइंड करने की जो टेक्निक है वो कहलाती है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहलाती है। ठीक है, तो जैसा आप सभी जानते हो, आपने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पढ़ा होगा। कौन सा? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। उसके अंतर्गत बताया गया है कि ऑलमोस्ट 99.9% डीएनए जो होता है ह्यूमन के अंदर, वो कैसा होता है, सिमिलर सिमिलर इन ईच एंड एवरी इंडिविजुअल। डीएनए का लगभग 99.9% जो बेस पेयर सीक्वेंस होती है, वो किसी होती है, सिमिलर होती है। ओनली 0.1% डीएनए जो होता है वो कैसा होता है, डिफरेंट होता है। ओनली कितना, 0.1% जो डीएनए होगा वो कैसा होगा, डिफरेंट होगा। बाकी 99.9% तो कैसा होता है, सिमिलर होता है। जो डिफरेंस होता है वही डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के अंदर काम आएगा। जो डिफरेंस है, जो विविधता यहाँ पर देखने को मिल रही है, वो विविधता ही डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो टेक्निक्स है उसके अंदर उसका उपयोग किया जाता है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है, इसको डिस्कवर्ड बाय, जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जो खोज की गई है वो एलेक्स जेफ्री के द्वारा की गई है। तो डिस्कवर्ड बाय एलेक्स जेफ्री। अब इसमें किस प्रकार से, मतलब कौन कौन सी चीजें इसके अंदर आती है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के अंतर्गत, तो वो चीजें हम विस्तार से यहाँ पर चर्चा करते हैं। तो जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है, उसकी जो स्टेप्स है और किस प्रकार की प्रोसीडिंग है, उसके बारे में हम बात करते हैं। हमने अभी चर्चा की है कि 99.9% जो डीएनए होता है वो कैसा होता है, सिमिलर होता है, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर सेम होता है। और 0.1% जो डीएनए होगा वो कैसा होता है, डिफरेंट होता है। तो हम क्या करेंगे, जो ह्यूमन जीनोम का डीएनए है उसका हम डेंसिटी ग्रेडियंट, सेंट्रीफ्यूगेशन, घनत्व के आधार पर हम उसका अपकेंद्रण करेंगे। जो डीएनए है उसका हम डेंसिटी ग्रेडियंट के आधार पर सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे, तो हमको कुछ इस प्रकार से दो पिक्स मिलेगी। एक लार्ज पिक आपको दिखाई देगी और एक
स्मॉल पीक आपको दिखाई देगी। मतलब जो डीएनए का सेंट्रीफ्यूगेशन हुआ है वो किस आधार पर हुआ, हमने डेंसिटी ग्रेडियंट के आधार पर किया है। कैसा किया है अपने, डेंसिटी ग्रेडियंट के आधार पर किया। तो हमको दो भाग दिखाई देंगे डीएनए के, उसके अंदर जो अलग अलग जो डीएनए होगा उसके दो पोर्शन दिखाई देंगे, एक ज्यादा मात्रा के अंदर होगा और एक होगा कम मात्रा के अंदर। जो ज्यादा मात्रा के अंदर है उसको बोला जाता है बल्क डीएनए। क्या बोलते हैं, बल्क डीएनए इसको बोला जाता है। और जो कम मात्रा के अंदर हमको छोटा सा स्मॉल पीक यहाँ पर दिखाई दे रहा है इसको बोला जाता है सैटेलाइट डीएनए। क्या बोलते हैं इसको, सैटेलाइट डीएनए इसको कहा जाता है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के अंतर्गत ये जो सैटेलाइट डीएनए है इसी का उपयोग किया जाता है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के अंदर किसका उपयोग किया जाएगा, इस सैटेलाइट डीएनए का उपयोग किया जाएगा। ये कुछ नहीं है, क्या है, ये 0.1% वाला पोर्शन है जो ह्यूमन जीनोम के अंदर कैसा होता है, डिफरेंस होता है, प्रत्येक इंडिविजुअल के अंदर अलग अलग होता है। ठीक है, इस सैटेलाइट डीएनए को फर्दर क्या किया है, कैटेगराइज किया है टू भागों के, टू पार्ट्स के अंदर। तो जो सैटेलाइट डीएनए है उसको फर्दर टू पार्ट्स के अंदर कैटेगराइज किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ थ्री थिंग्स, तीन आधार पर इसको कैटेगराइज किया गया है। एक तो होता है कि जो डीएनए की सीक्वेंस है, ये जो पोर्शन होता है सैटेलाइट डीएनए, इसमें कुछ बेस पेयर सीक्वेंस होगी, उसका जो रिपीटेशन होता है, यहाँ पर जो डीएनए सीक्वेंस होगी उसका क्या होगा, रिपीटेशन होगा। तो उस रिपीटेशन जो बेस पेयर होगी उसमें कौन कौन सी, आपको मालूम है डीएनए के अंदर एक एडेनिन होता है, थायमिन होता है, ग्वानिन और साइटोसिन, ये न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, इनकी सीक्वेंस से डीएनए मॉलिक्यूल बना होता है। तो ये सैटेलाइट डीएनए होगा उसमें इन ATCG जो बेस पेयर होते हैं उनका जो अरेंजमेंट है वो कुछ इस प्रकार से होता है कि इनका रिपीटेशन होता है बार बार, ये जो न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस है वो क्या होगी, रिपीट होती है। तो जो सैटेलाइट डीएनए होगा उसको हम तीन भागों, तीन आधार पर दो भागों के अंदर डिवाइड कर रहे हैं। एक तो हो रहा है लेंथ ऑफ रिपीट सीक्वेंस, इसके अंदर जो रिपीट सीक्वेंस है उसकी लेंथ कितनी है, ठीक है, उसकी लंबाई कितनी होगी। उसके बाद में दूसरा जो पॉइंट है वो है इसका ATCG अनुपात या रेशो, मतलब प्यूरिन और पायरिमिडिन का अनुपात कितना है। उसके बाद में तीसरा जो आधार लिया हुआ है सैटेलाइट डीएनए को अलग अलग करने का वो है कॉपी नंबर। क्या है, कॉपी नंबर। तो हम समझने का प्रयास करते हैं कि ये वास्तव में ये चीजें क्या होती है। मान लीजिए ये सैटेलाइट जो डीएनए है इसके अंतर्गत एक सीक्वेंस है ATCG, ठीक है, तो इसकी लेंथ कितनी हो गई, 1 2 3 4, हमने 4 यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस बताई है, तो लेंथ हमने बता दी इसकी कितनी हो गई, 4 हो गई है, ठीक है। इसमें ATCG का रेशो हमको मालूम पड़ जाएगा कितना है इस सीक्वेंस के अंदर। उसके बाद में किसी क्रोमोसोम पर ये जो स्पेसिफिक सीक्वेंस है ये सीक्वेंस कितनी बार रिपीट हो रही है, ये सीक्वेंस कितनी बार उसके ऊपर रिपीट हो रही है, उसके नंबर को बोला जाता है कॉपी नंबर, ठीक है, उसको क्या बोला जाएगा, कॉपी नंबर उसको बोला जाएगा। तो इन तीन आधार पर, एक तो लेंथ ऑफ जो सीक्वेंस है उसके आधार पर, उस लेंथ उस सीक्वेंस के आधार और सीक्वेंस के अंदर एटी और सीजी का रेशो कितना है, प्यूरिन और पायरिमिडिन का अनुपात कितना है उस आधार पर, और साथ ही साथ में कॉपी नंबर, मतलब ये कितनी बार रिपीट हो रही है ये सीक्वेंस, इस आधार पर हम सैटेलाइट डीएनए को दो भागों के अंदर डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। पहला आता है इसका, एक होता है मिनी सैटेलाइट, मिनी सैटेलाइट, एक होता है मिनी सैटेलाइट, और सेकंड होता है माइक्रो सैटेलाइट। मिनी सैटेलाइट और माइक्रो सैटेलाइट, ठीक है, तो दो तीन चीजें आपको समझ में आ चुकी है, मिनी सैटेलाइट क्या है और माइक्रो सैटेलाइट क्या है, हमने किस आधार पर इसको डिस्ट्रीब्यूट किया है, लेंथ जो डीएनए सीक्वेंस है या जो सीक्वेंस है नाइट्रो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस उसके आधार पर उसकी लेंथ कितनी है, उसके बाद में उसका अनुपात कितना है,
इस आधार पर और दूसरा उसका कापी नंबर के आधार पर इसको हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है। तब थोड़ा सा हम मिनी सेटेलाइट और माइक्रो सेटेलाइट के बारे में बात करेंगे और उसके बाद फिर हम जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की पूरी प्रोसेस है उसके बारे में चर्चा करते हैं। एक होता है मिनी सैटेलाइट, और एक होता है माइक्रो सैटेलाइट। मिनी सैटेलाइट और माइक्रो सैटेलाइट, ठीक है। तो मिनी सैटेलाइट का उपयोग हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के अंदर करते हैं। तो जो मिनी सैटेलाइट होगा उसका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के अंदर उपयोग किया जाता है। इसको वीएनटीआर बोला जाता है। वीएनटीआर क्या बोलते हैं? वीएनटीआर, वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट, वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट इसको कहा जाता है। तो VNTR वेरिएबल नंबर, वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट, जो कि क्या होता है, मिनी सैटेलाइट होते हैं। जो माइक्रो सैटेलाइट होंगे, जो माइक्रो सैटेलाइट है इसको STR कहा जाता है, शॉर्ट टेंडम रिपीट। मतलब VNTR में वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट और इसको बोलाता है STR, शॉर्ट टेंडम रिपीट। तो जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के अंदर यूज किया जाता है वो किसका उपयोग किया जाता है? मिनी सैटेलाइट का उपयोग किया जाता है। इसमें जो डीएनए बेस पेयर की जो सीक्वेंस है वो अप्रोक्सीमेटली 10 to, मतलब जो बेस पेयर सीक्वेंस है वो कितनी होती है? 10 to 60 बेस पेयर, और ये होती है 1 to 10 बेस पेयर। जो मिनी सैटेलाइट होंगे उसमें जो बेस पेयर सीक्वेंस होगी वो कितनी होगी? 10 से लगाकर 60 बेस पेयर की होगी, और जबकि माइक्रो सैटेलाइट के अंदर कितनी होगी? 1 to 10 बेस पेयर होगी, ठीक है। तो अब देखते हैं हम कि मिनी सैटेलाइट का उपयोग किस प्रकार से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के अंदर किया जाता है। पूरी प्रोसीडिंग पर, प्रोसीजर पर आते हैं हम। तो जो इसके स्टेप्स है, मेथड्स है, स्टेप ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, फर्स्ट है आइसोलेशन ऑफ डीएनए। फर्स्ट स्टेप क्या है? आइसोलेशन ऑफ डीएनए। हम किसी भी स्थान से हम डीएनए को आइसोलेट करेंगे, जहाँ से हमको प्राप्त हो रहा है वहाँ से हम उसको प्राप्त करेंगे डीएनए को। फॉर एग्जांपल, कहीं पर कोई क्राइम सीन हुआ है, कोई वारदात हुई है, और वहाँ से हमको जो सैंपल कलेक्ट किए गए हैं उस सैंपल से हम डीएनए को आइसोलेट करेंगे, ठीक है। या फिर दूसरा कोई पेटर्निटी डिस्प्यूट कोई हो, किसी के पेटर्निटी वाले केस को यदि सॉल्व करना हो, तो उसमें माता पिता और जो बच्चा है उसके डीएनए की सैंपलिंग की जाएगी और उसकी फिर मैपिंग की जाएगी और देखा जाएगा कि क्या वो मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो हम इस प्रकार से डीएनए को, डीएनए के सैंपल को क्या करेंगे? कलेक्ट करेंगे। कलेक्ट करने के बाद में उसको क्या करेंगे? आइसोलेशन करेंगे। तो आइसोलेशन करने के लिए आपको मालूम है कि जो डीएनए होता है वो कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, ठीक है। तो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस जो होता है वो सेल के अंदर पाया जाता है, तो सेल मेम्ब्रेन। तो इस प्रकार से यदि डीएनए को हमको अलग करना है, आइसोलेट करना है, तो हमको उस सेल मेम्ब्रेन को डिजॉल्व करना पड़ेगा, उसे डाइजेस्ट करना पड़ेगा। यदि प्लांट सेल है तो उसके चारों ओर जो सेल वाल है उसको डाइजेस्ट करना होगा। तो वेरियस प्रकार के जो एंजाइम्स होंगे उनका उपयोग इन लेयर्स को रिमूव करने के लिए किया जाता है।
ये सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए अलग प्रकार का एंजाइम, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके जो कंपोजिशन है लिपिड है प्रोटीन है और फैट जो है उनको डाइजेस्ट करने के लिए अलग प्रकार के एंजाइम्स का उपयोग किया जाएगा। इस प्रकार से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, चूंकि वो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कंपोजिशन जिस प्रकार से उसी प्रकार से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का कंपोजिशन भी होता है, तो उसी उन्हीं एंजाइम्स की मदद से हम डीएनए को न्यूक्लियस से क्या करेंगे, आइसोलेट करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप आपकी हो जाएगी आइसोलेशन ऑफ डीएनए। इसके पहले हम क्या होगा, कलेक्शन ऑफ सैंपल। इसके पहले क्या करेंगे, हम कलेक्शन करेंगे सैंपल का, जो भी मैटर है उसको हम प्राप्त करेंगे उस स्थान से। जैसा देखिए, जब यहाँ पर क्राइम सीन हुआ तो वहाँ ब्लड ड्रॉप जो मिलेगी या फिर बाल मिलेंगे, हेयर फॉलिकल्स वगैरह जो मिलेंगे उनका हम कलेक्शन करेंगे। कलेक्शन करने के बाद में फिर उस सेल से हम क्या करेंगे, डीएनए का आइसोलेशन करेंगे, उसको वहाँ से निकालेंगे। ठीक है, डीएनए का आइसोलेशन करने के बाद में इसको हम क्या करेंगे, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के माध्यम से इसका फ्रेगमेंटेशन करेंगे। तो फ्रेगमेंटेशन फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। ठीक है, जैसा हमने आइसोलेशन किया, आइसोलेशन करने के बाद में हम उस डीएनए मॉलिक्यूल को क्या करेंगे, टुकड़ों के अंदर तोड़ेंगे। उसके लिए एक विशेष प्रकार का एंजाइम का उपयोग किया जाता है जिसका नाम है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, जो कि डीएनए मॉलिक्यूल को एक स्पेसिफिक पॉइंट से कट करने का काम करेगा। जो भी सिक्वेंस वहाँ पर होगी, वो जो एंजाइम्स जो होगा जिसके लिए निर्धारित होगा, वो एंजाइम उस पर्टिकुलर साइट पर आकर उसको क्या करेगा, क्लीव करने का काम करेगा, डीएनए को फ्रेगमेंट करने का काम करेगा। तो पहला हमारा आइसोलेशन हुआ, दूसरा हुआ फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, ये हो गया। थर्ड वाला जो पोर्शन होगा इसका आएगा, तीसरा आएगा जेल इलेक्ट्रो फोरेसिस, जेल इलेक्ट्रो फोरेसिस। तो ये जो प्रोसेस होगी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में, हम जो फ्रेगमेंट्स हमारे पास में प्राप्त हुए हैं उन फ्रेगमेंट्स को हम क्या करेंगे, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के माध्यम से हम उसका ग्रेडियंट करेंगे, उसको हम अलग अलग करने का काम करेंगे। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की प्रोसेस होगी। उसके बाद थर्ड वाला जो आता है उसका यह आएगा ब्लोटिंग की प्रोसेस। क्या आएगी, ब्लोटिंग ऑन नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन, नाइट्रो सेलुलोज मेम्ब्रेन। तो ब्लॉटिंग की प्रोसेस करेंगे हम नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन के ऊपर। हम देखेंगे किस प्रकार से पूरी प्रोसेस जाती है। हम पहले पॉइंट यहाँ पर स्टेप्स लिख रहे हैं पूरे। तो ब्लॉटिंग करी, ब्लॉटिंग करने के बाद में हम बोलेंगे हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन बाय प्रोब या वी एन टी आर प्रोब, हम बोले वी एन टी आर प्रोब्स। प्रोब्स जो होगा वो रेडियो लेबल्ड न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस होती है, तो उसके साथ में हम जो डीएनए मॉलिक्यूल होगा उसको क्या करेंगे, हाइब्रिडाइज करने का काम करेंगे। उसके बाद फिफ्थ का जो पोर्शन आएगा, हाइब्रिडाइजेशन करने के बाद में ब्लॉट, हमने आइसोलेशन किया, फ्रेगमेंटेशन किया, देन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की प्रोसेस की, उसके बाद में ब्लॉटिंग की प्रोसेस की, नाइट्रोसेलुलोस मेम्ब्रेन के ऊपर हमने उसको ट्रांसफर करना है, उसके बाद में हाइब्रिडाइजेशन करवाना है वीएनटीआर प्रोब्स के द्वारा या प्रोब्स का, इसके साथ में हमको हाइब्रिडाइजेशन करवाना है। और जो नेक्स्ट स्टेप होगी वो आगा आएगा विजुअलाइजेशन, विजुअलाइजेशन। तो विजुअलाइजेशन हम करेंगे इसको रेडियो ऑटोग्राफी के द्वारा, रेडियो ऑटोग्राफी, इसके द्वारा हम विजुअलाइजेशन का काम करेंगे। ठीक है, तो ये 5 स्टेप्स होगी। इसके अंदर यदि हम सैंपल कलेक्शन के स्टेप को जोड़ दें तो इस प्रकार से टोटल जो स्टेप्स है इस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की वो कितनी है, 6 हो जाएगी यदि हम सैंपल कलेक्शन के बाद भी इसके अंदर जोड़ें। तो इसके आधार पर हम पूरी की पूरी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक्स को समझने का प्रयास करते हैं। आपको ये याद रखना है, सैंपल कलेक्शन देन आइसोलेशन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल, उसके बाद में फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम एंड देन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस फिर ब्लॉटिंग और नाइट्रोसेलुलोस मेम्ब्रेन देन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बाय प्रोब्स।
प्रोब्स के द्वारा इसका हाइब्रिडाइजेशन किया करवाया जाएगा, और उसके बाद में ऑटो रेडियोग्राफी हम करेंगे यहाँ पर, रेडियोग्राफी, रेडियो ऑटोग्राफी, ऑटो रेडियोग्राफी जिसको बोले, विजुलाइजेशन मतलब उसको देखने के लिए। तो अब देखते हैं इसका एक एग्जाम्पल लेकर हम ये पूरी प्रोसेस को करने की देखते हैं। तो फॉर एग्जांपल कोई क्राइम घटित हुआ है या जो भी कोई केस है, वहाँ हमको सैंपल प्राप्त हुआ है, ब्लड सैंपल प्राप्त हुआ है, और उसमें से हमारे द्वारा डीएनए का जो है वो कलेक्शन किया गया, और डीएनए का कलेक्शन करने के बाद में हमारे पास में दो एक्यूज्ड है, दो संदिग्ध व्यक्ति है, और लग रहा है कि जो वारदात को अंजाम इन दो में से किसी एक व्यक्ति के द्वारा दिया गया होगा। तो हम उस क्राइम साइट से जो कलेक्शन किया हुआ है ब्लड सैंपल, उसमें जो डीएनए मॉलिक्यूल है उसका हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के माध्यम से प्रोसेस करते हैं कि किस प्रकार से हम आइडेंटिफाई करेंगे कि एक्यूज इसके अंदर कौन है। तो सबसे पहले हमारी जो प्रोसेस थी, हमने बोला था कि सैंपल कलेक्शन, तो हमने सैंपल कलेक्ट किया, और वहाँ पर जो सैंपल हमको प्राप्त हुआ था उसमें मान लो सबसे पहले हमारा सैंपल कलेक्शन हुआ, सैंपल का कलेक्शन हुआ, कलेक्शन करने के बाद में हमने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के द्वारा क्या किया, उसको कट कर दिया, फ्रेगमेंटेशन कर दिया, और देन उसके बाद हमने क्या किया, इसका जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस किया, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस किया। तो हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या करेंगे, जो डीएनए मॉलिक्यूल है, जो डीएनए जैसा ये हमको डीएनए मॉलिक्यूल प्राप्त हुआ है, डीएनए मॉलिक्यूल प्राप्त हुआ, और हमने क्या किया, इसको रिस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के द्वारा क्या किया, कट कर दिया छोटे छोटे पीसेस के अंदर, इसको उस एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के द्वारा हमने कट कर दिया। कट करने के बाद में हम इस जो डीएनए फ्रेगमेंट्स है इनको क्या करेंगे, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के माध्यम से हम इसको अब सेपरेट करने का काम करेंगे। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है कि एग्रोस जेल का उपयोग किया जाता है, और कुछ इस प्रकार से हम बताएं, एक जेल स्लेब होती है, ठीक है, इस प्रकार से जेल स्लेब हम बताएं, और एक ट्रफ यहाँ पर रखा हुआ है। तो हमने बोला कि ये कैसा है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, मतलब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोफोरेसिस का उपयोग भी करेंगे, इलेक्ट्रिक का उपयोग भी करेंगे। तो इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो जेल की प्लेट है उसमें हम यहाँ पर जो डीएनए मॉलिक्यूल है उसको रखने से पहले क्या किया, हमने यहाँ पर जेल रखा, और इस जेल में यहाँ पर हमने एनोड और कैथोड का उपयोग किया, मतलब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे द्वारा तैयार किया गया, ये है माइनस और ये है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, एक नेगेटिव चार्ज हमने यहाँ पर और एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर एनोड और कैथोड का उपयोग किया गया है। और साथ ही साथ में देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कर रहा, तो इस प्रोसेस को थोड़ा सा समझ लीजिए कि वास्तव में ये प्रोसेस किस प्रकार से होती है, ठीक है। तो पहले यहाँ पर ने क्या किया कि एक ग्रेडियंट यहाँ पर तैयार किया हुआ है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज, और उसी के साथ में जो जेल यहाँ पर लिया गया है इसमें भी हमने क्या किया कि यहाँ पर हमने पीएच ग्रेडियंट क्रिएट करके रखा हुआ है। तो यहाँ मान लीजिए यहाँ पर जीरो पीएच है, और यहाँ पर कितना है, 14 है, लास्ट में कितना है, 14 है, और सेंटर में कितना होगा, 7 होगा, ठीक है। अब हमको मालूम है कि जो डीएनए मॉलिक्यूल है वो कैसा होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है, तो हम इस डीएनए मॉलिक्यूल को इस नेगेटिवली जो माइनस वाला जो पोर्शन है या जो माइनस वाला इलेक्ट्रोड है इसके पास में हम इसको क्या करेंगे, पोर कर देंगे, डाल देंगे, ठीक है। अब आपको ध्यान रखना है कि जो हमारे साथ में हमने जो जेल प्लेट यहाँ रखी हुई है, ऊपर वाले की बात करें, अभी नीचे की हम बात नहीं कर रहे हैं ना, हमको अभी हॉरिजॉन्टली हम इसको क्या करें, सेपरेट करने का काम कर रहे हैं, ठीक है, क्षैतिज रूप से इसको सेपरेट करने का हम काम कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पर इसको रखा है नेगेटिव इलेक्ट्रोड के पास में रखा, डीएनए मॉलिक्यूल को यहाँ पर पोर किया, और देखा
तो क्या होगा कि ये, चूंकि हमको मालूम है डीएनए मॉलिक्यूल कैसे होते हैं, नेगेटिवली चार्ज होते हैं, तो ये पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की ओर क्या करेंगे, रन करेंगे, ठीक है ना। ये क्या करेंगे, जो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है उसकी ओर रन करना चालू करेंगे। तो ये किस प्रकार से जाना चालू करेंगे, अब आपको ये भी ध्यान है कि यहाँ पर क्या है, हमने पीएच ग्रेडियंट भी तैयार करके रखा हुआ है, मतलब इस क्षेत्र में जैसे जैसे इधर की ओर बढ़ेंगे पीएच वैल्यू कैसी होती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, और जैसे जैसे इधर जाएंगे तो पीएच वैल्यू कैसी होगी, कम होती चली जाएगी। तो डीएनए मॉलिक्यूल के ऊपर जितना चार्ज होगा वो चार्ज क्या होगा, अपने पीएच के अनुसार लूज करते चले जाएगा, पीएच वैल्यू के अनुसार वो क्या करेगा, अपना चार्ज लूज करते चले जाएगा। जब लूज कर देगा वो अपना चार्ज, अपना जो आयन है वो खो देगा, आयनिक रूप खो देगा, तो वो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, वो फर्दर फिर इलेक्ट्रोड की ओर मूव नहीं करेगा, ठीक है। तो ये डीएनए मॉलिक्यूल क्या करेंगे, इस पीएच ग्रेडियंट में और जो हमने इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रोड लगा के रखे हुए, इसके बीच में इनका मूवमेंट होगा। और सपोज दैट कि कुछ डीएनए मॉलिक्यूल जो है वो इस पोजीशन पर आकर, जो कि यहाँ पर मान लो कि कितना होगा, ये हो सकता है 4 हो यहाँ पर, ठीक है। तो 4 pH पर क्या होगा, ये सेटल हो जाएगा, चूंकि अपना चार्ज यहाँ पर क्या कर देगा, लूज कर देगा, तो आगे फर्दर ये पॉजिटिव की ओर, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की ओर मूव नहीं करेगा। आगे देखिए हम, तो कोई सा डीएनए फ्रेगमेंट्स है वो क्या कर रहा है कि 7 पर आकर अपना चार्ज कैसा कर रहा है, लूज कर रहा है, तो आगे ये फिर मूव नहीं करेगा। तो यहाँ पर ये सेटल हो गया ये 7 पर, और ये सेटल हो गया कहाँ पर, 4 पर। उसी प्रकार से देखिए कि हो सकता है कि कोई डीएनए पार्टिकल्स है वो इस प्रकार से यहाँ पर 12 के पास में आकर क्या हो गया, अपना डिस्चार्ज हो गया वो, और आगे फर्दर मूव नहीं करेगा। तो हमने क्या किया, अब जो डीएनए मॉलिक्यूल्स है, जो फ्रेगमेंट्स है जिनको हमने एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के द्वारा कट किया हुआ है, उसको हमने जेल के माध्यम, जेल मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर तैयार करी, और उसके साथ साथ में पीएच ग्रेडियंट तैयार किया, और इनको हमने हॉरिजेंटली सेपरेट करने का काम किया है, क्षैतिज रूप से हमने इसको अलग अलग करने का काम किया है। उसके बाद हम ये पूरे के पूरे ट्रक को क्या करेंगे, एक जेल प्लेट के ऊपर ट्रांसफर करेंगे, और इसमें फिर बफर सॉल्यूशन डालेंगे, क्या डालेंगे, बफर इसमें डालेंगे। तो अब क्या होगा, ये कब अभी कैसे सेपरेट हो रहे थे, हॉरिजेंटली सेपरेट हो रहे थे, अब कैसे सेपरेट होना चालू हो जाएंगे, ये आपके वर्टिकली सेपरेशन इनका होना चालू हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, जो हेवियर या लंबे पार्टिकल्स है, लंबे डीएनए फ्रेगमेंट्स है, उनकी मूवमेंट कैसी होगी, कम होगी। जो लंबे डीएनए मॉल फ्रेगमेंट्स होंगे, टुकड़े होंगे, उनकी गति कैसी होगी, कम होगी, और जो छोटे टुकड़े होंगे, छोटे फ्रेगमेंट्स होंगे, उनकी गति कैसी होगी, ज्यादा होगी। तो जैसे हम बफर सॉल्यूशन डालेंगे तो ये डीएनए फ्रेगमेंट क्या करेंगे, इसमें मूव करना चालू कर देते हैं, और जो बड़ा पार्टिकल्स होगा वो कैसा रह जाएगा, ऊपर की ओर रह जाएगा, और जो छोटे पार्टिकल्स होंगे वो क्या करेंगे, नीचे की ओर मूव करना चालू करेंगे। तो कुछ इस प्रकार से हमारे पास में इनका सेपरेशन हो जाएगा डीएनए फ्रेगमेंट्स का। तो इसको बोला था जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, क्योंकि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का उपयोग भी किया है और जेल का उपयोग किया है, इसलिए इसको बोला था जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो हमने सैंपल कलेक्शन किया, उसके बाद में रजिस्ट्रेशन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का उपयोग किया, फ्रेगमेंटेशन किया, उसके बाद हम कहाँ पर आए, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की प्रोसेस में आए। तो ये आप बोला चीज आपको समझ में आ गया होगा कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, जिसमें हमने पीएच ग्रेडियंट भी किया, पीएच ग्रेडियंट भी यहाँ पर क्रिएट किया था, और इसको दो प्रकार से इसका सेपरेशन किया हुआ है, एक हॉरिजेंटली सेपरेशन किया है और एक कैसा किया है, वर्टिकली सेपरेशन इसके द्वारा हम हमारे द्वारा किया गया है, ठीक है। अब ये जो जेल स्लेब है ये कैसी होती, ज्यादा स्टेबल नहीं है, ज्यादा समय तक हम इसको नहीं रख सकते। अब आगे की जो प्रोसेस है उसको क्या करेंगे, ब्लॉटिंग की प्रोसेस आएगी, फोर्थ वाली क्या आएगी, इसमें ब्लॉटिंग, कौन सी प्रोसेस, ब्लॉटिंग। ब्लॉटिंग जो डीएनए फ्रेगमेंट्स यहाँ पर हमको प्राप्त हुए हैं उनको नाइट्रोसेलुलस मेम्ब्रेन के ऊपर ट्रांसफर करने की प्रोसेस है, ठीक है। तो ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, क्या बोलेंगे, ब्लॉटिंग के अंदर क्या होगा कि जो डीएनए फ्रेगमेंट्स है, डीएनए फ्रेगमेंट्स जो होते हैं उनको क्या करना है, नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन के ऊपर हमको ट्रांसफर करना है। तो नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन जो होती है वो ज्यादा ड्यूरेबल होती है, वो ज्यादा समय तक बनी रहती है। तो ये जो डीएनए हमने जो फ्रेगमेंट्स प्राप्त हुए हैं वो वहां पर सुरक्षित रहेंगे। तो इसको क्या करेंगे, ब्लॉटिंग के प्रोसेस के माध्यम से हम नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन के ऊपर ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। ट्रांसफर की प्रोसेस के अंदर जो डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं वो भी कैसे हो जाएंगे, अनजिपिंग उनकी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, अनजिपिंग वो हो जाएंगे, मतलब अनकॉइल्ड हो जाएंगे, जो टुकड़े होंगे वो अनकॉइल्ड यहाँ पर हो जाएंगे।
उसके बाद में जैसा हमने नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन के ऊपर इसको अपन ने डाला, थोड़ा सा हम इसको यहाँ से रिमूव कर दें जो अपन ने पूरा बनाया है। फॉर एग्जाम्पल यदि अपन सोचे इसको कि हमने नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन के ऊपर लेकर आए और जी नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन है जिस पर हमने उन टुकड़ों को या फ्रेगमेंट जो है वो आ गए हैं, ठीक है। तो अब क्या करेंगे इसको, ऑटो रेडियोग्राफी की प्रोसेस है, नहीं हाइब्रिडाइजेशन है, पहले तो क्या है हाइब्रिडाइजेशन विथ प्रोब। तो प्रोब जो होते हैं वो स्मॉल डीएनए सीक्वेंस होते हैं जिनको लेबोरेटरी के अंदर उसको तैयार किया जाता है, जो डीएनए न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है, और वो जो कैसे होते हैं रेडियो एक्टिव होते हैं, उनको हम क्या करेंगे इस जो डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं इनके साथ में उसको रख देंगे, हम जो प्रोब्स है उनको इसके साथ में हम डाल देंगे। तो ये पूरी स्लेब को, या हम स्लेब नहीं बोलेंगे इसको, नाइट्रोसेलुलोज जो मेम्ब्रेन है इसको क्या करेंगे, जो प्रोब्स है जो कि कैसे हैं रेडियो एक्टिव लेबल्ड है, रेडियो लेबल्ड है, उनके साथ में उसको रख दिया जाएगा। तो उसका जो न्यूक्लियोटाइड्स होंगे वो हमने बता दिया कि जो नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन के ऊपर हम इसको जो ट्रांसफर करते थे अनजिपिंग हो जाती है, तो इसके अंदर का जो सीक्वेंस होगी, फॉर एग्जांपल यहाँ पर यदि ए टी सी, मतलब ये वाला जो अपन लिख रहे हैं वो ए टी सी जी, ये कोई सीक्वेंस है ए टी सी जी, तो जो प्रोब्स होंगे वो कैसे होंगे, डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स होंगे वो भी, लेकिन वो कैसे हैं रेडियो एक्टिव होते हैं। तो ये क्या करेंगे अपने कॉम्प्लीमेंट्री जो डीएनए सीक्वेंस होगी उसे जाकर बाइंड कर जाएंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा, यहाँ ए आ जाएगा, यहाँ जी आ जाएगा, यहाँ सी आ जाएगा। तो यहाँ पर जाके क्या करेंगे इसके साथ में ये बाइंड कर जाएंगे। तो जितने भी डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं उनके साथ में जो रेडियो लेबल्ड प्रोब्स हैं वो क्या हो जाएंगे वहाँ पर बाइंड हो जाएंगे। तो इसी प्रोसेस को बोला जाता है हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस, ठीक है। अब इसके बाद हाइब्रिडाइजेशन हुआ, अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, अगला जो स्टेप होगी हाइब्रिडाइजेशन के बाद में वो होता है ऑटो रेडियोग्राफी। अब क्या करेंगे हम इसको जो इसका ऑटो रेडियोग्राफी के माध्यम से इसकी हम इमेज प्राप्त कर लेंगे, और उस इमेज के अंदर हमको जो जो डीएनए प्रोब्स है, जो रेडियो लेवल्ड प्रोब्स है वो जो कि आपका डीएनए फ्रेगमेंट के साथ में बाइंड किए हुए हैं, तो उनकी इमेज हमको लाइन के रूप में एक दिखाई देना चालू हो जाएगी। जिस जिस स्थान पर हाइब्रिडाइजेशन हुआ है तो उस एक प्लेट के ऊपर पूरा का पूरा हमको ये इनकी सिचुएशन दिखाई देना चालू हो जाएगी। तो इस प्रकार की जो प्लेट हमको प्राप्त होगी वो उसका एक इमेज होगी, एक फिंगरप्रिंट होगी उस पर्टिकुलर सैंपल का जो हमारे द्वारा कलेक्ट किया गया है, ठीक है। तो ये होता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होता है। सबसे पहले हम थोड़ा सा और इसको रिवाइज करें, एक होता है आपका कि सैंपल कलेक्शन, सैंपल कलेक्शन के बाद में क्या होगा, हमने उसका रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के द्वारा उसको फ्रेगमेंटेशन किया, फ्रेगमेंटेशन करने के बाद में हमारे द्वारा उसको क्या किया गया, फिर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस आपको समझ में आ चुका होगा, हमने इसमें आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग का काम भी किया हुआ है, मतलब हमने इसको पीएच ग्रेडियंट के अनुसार भी सेपरेशन करने का काम किया है, ठीक है। उसके बाद में हमने इसका हाइब्रिडाइजेशन किया प्रोब्स के साथ में, रेडियो लेबल्ड प्रोब्स के साथ में, और उसके पश्चात हमने इसका क्या किया, ऑटो रेडियोग्राफी किया है। तो ये तो पूरी प्रोसीजर है कि किस प्रकार से प्रोसीजर मतलब इसमें कार्य किया जाएगा। अब हम देखते हैं कोई सा एक एग्जांपल लेते हैं और इस एग्जांपल के माध्यम से केस सॉल्व करने का काम करते हैं कि देखिए क्या होता है। देखिए जैसा हमने पहले बता चुके हैं कि जो मिनी सैटेलाइट है, जो VNTR है, उसमें जो VNTR के अंदर जो सीक्वेंस है वो उसकी लेंथ अलग अलग हो सकती है, उसका रेपिटेशन अलग अलग हो सकता है, ठीक है। प्रत्येक इंडिविजुअल के अंदर ये क्या करेगा, वेरी करेगा, पॉलीमॉर्फिज्म में दिखाता है, उसी को हमने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के अंदर उपयोग किया हुआ है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक केस लेते हैं कि कहीं पर क्राइम हुआ है, कहीं मर्डर हुआ है, मर्डर मिस्ट्री है, और वहाँ से हमने सैंपल कलेक्ट किया है, और सैंपल कलेक्शन के बाद में जो हमारे सामने हमने जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की पूरी प्रोसेस की, तो वहाँ का जो सैंपल प्राप्त हुआ था उसका कुछ रेशो हमारे सामने, उसका जो फिंगरप्रिंट है
वो कुछ इस प्रकार से हमको मिला है। हम यहाँ पर पहले से बनाकर रख देते हैं। तो हम यहाँ पर लेते हैं थोड़ा सा, इसकी नंबरिंग करें, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड 0। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये पर जो नंबरिंग लिखी हुई है वो रिपीटेड सीक्वेंस बताइए कितनी बार रिपीट हो रहे हैं, उसको यहाँ पर शो करने का प्रयास किया है। जो सीक्वेंस है वो कितनी बार रिपीट हो रही है। तो हमारे पास जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जो पूरी प्रोसेस की और वहाँ से जो सैंपल हमको प्राप्त हुआ है, फॉर एग्जाम्पल उसमें मान लीजिए कि हमको कुछ इस प्रकार से पैटर्न प्राप्त हुआ है, एक तो इस प्रकार का बैंड प्राप्त हुआ, एक आपका इस प्रकार से हुआ है, एक आपका ये है और ये है, कुछ इस प्रकार से बैंड हमको देखने को मिले हैं। और यहाँ भी देखने को मिलेगा, ठीक है, कुछ इस प्रकार से हमको जो पैटर्न है वो देखने को यहाँ पर मिला है। तो हमारे पास में दो एक्यूस्ट है जिनका सैंपल कलेक्शन हमने किया, उनसे भी लिया, और हमको शक है कि हो सकता है कि जो गुनहगार हो वो ये दो में से कोई एक व्यक्ति हो सकता है। तो हमने उनका डीएनए सैंपल लिया, और डीएनए सैंपल लेने के बाद में क्या किया कि उसके क्रोमोसोम नंबर 1 का हमने ऑब्जर्व किया, और उसके अंदर हमको देखने को मिला कि जो रिपीटेड सीक्वेंस है वो कितनी है, मतलब ये क्रोमोसोम नंबर 1 है। आपको मालूम है क्रोमोसोम नंबर, ये ह्यूमन बींग के अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो कैसे होते हैं, होमोलोगस होते हैं, एक मिलेगा आपका मेटरनल साइड से और एक मिलता है पेटर्नल साइड से। तो क्रोमोसोम नंबर 1, क्रोमोसोम नंबर मान लीजिए 5 है, ये 5 को भी हम बना दें, तो ये क्रोमोसोम नंबर 5 का ये 1 पेटर्नल, एंड देन दूसरा वाला जो होगा वो कौन सा होगा, मेटरनल। मान लीजिए क्रोमोसोम नंबर ये है आपका 10 मान लो, तो क्रोमोसोम नंबर 10 का एक मेटरनल और एक ये हो गया पेटर्नल, ठीक है। तो ये तो एक्यूस्ट नंबर 1 जो हम बोल रहे कि ए नंबर का जो व्यक्ति है, एक्यूस्ट जो ए है उसका जो क्रोमोसोम सीक्वेंस हमने 3 का आइडेंटिफाई, एग्जांपल के लिए हम 3 यहाँ पर ले रहे हैं, 3 क्रोमोसोम, क्रोमोसोम नंबर 1, 5 और 10। और दूसरा एक्यूस्ट हमने लिया बी, उसका भी हम वही क्रोमोसोम नंबर लेंगे 1, 5 और 10। तो ये क्रोमोसोम नंबर एक्यूस्ट बी का क्रोमोसोम नंबर 1 है, और दूसरा ये एक्यूस्ट बी का ही क्रोमोसोम नंबर 5 है, ठीक है, ये क्रोमोसोम नंबर 10 है। हमने क्या किया, ये पूरी जो सीक्वेंस है, अब मान लीजिए कि इसमें क्रोमोसोम नंबर 1 के अंदर जो हमको डीएनए की रिपीटेटिव सीक्वेंस है वो कितनी मिल रही है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11। इसमें कितनी मिल रही है, 11। जो डीएनए की रिपीटेटिव सीक्वेंस है वो कितनी मिल रही है, 11 मिल रही है, और इसी का जो होमोलोगस है उसके अंदर वो कितनी मिल रही है, 1, 2, 3, 4, कितनी मिल रही है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, कितनी मिल रही है, 8 मिल रही है। एक में कितनी मिल रही है, 11 मिल रही है, और दूसरे में 8 मिल रही है। अब क्रोमोसोम नंबर 5 की देखें तो इसमें देखिए कि हो सकता है कि इसके अंदर जो सीक्वेंस है 1, 2, 3, 4, इसमें कितनी मिल रही है, 4 मिल रही है, और यहाँ पर हमको कितना मिल रहा है, सीक्वेंस ओनली 1 मिल रही है। इसके बाद देखें हम तो यहाँ पर हमको सीक्वेंस देखने को मिली, वो मिली 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यहाँ देखने को मिली। और उसके साथ में अगला जो था आपका कि हमको सीक्वेंस यहाँ देखने को मिली 1 और 2, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख लें, ये मिल रही है आपको कितनी, 11 और 8 मिली, और ये मिली 4 और 1 मिली, ये जो मिली है आपका कितना मिला है, 7 और 2,
तो ये सीक्वेंस इसके अंदर है, क्रोमोसोम नंबर 1 पर 1 एंड 8, क्रोमोसोम नंबर 5 पर 4 एंड 1, और क्रोमोसोम नंबर आपका 10 पर 7 एंड 2। और अदर जो इंडिविजुअल बी वाला है उसका हमने जो आइडेंटिफाई किया, तो उसका जो रिपीटेटिव सीक्वेंस है उसके अंदर, तो वो मान लीजिए कि क्रोमोसोम नंबर 1 पर कितना है, 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 नंबर आप रिपीटेड सीक्वेंस है। एंड देन इसी का जो सेकंड होमोलोगस है उस पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कितना है रिपीटेड सीक्वेंस, 9 है। और दूसरा जो है इसमें हमको मिला वो मिला 1 2 3 4 5, कितना मिला, 5 मिला। और ये जो मिला 1 2 3, ये मान लीजिए 3 मिला, क्रोमोसोम नंबर 5 के ऊपर जो रिपीटेड सीक्वेंस है वो 3 है। और मान लीजिए यहाँ पर 12 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ पर 12 रिपीटेटिव सीक्वेंस है। और यहाँ पर मान लीजिए 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर कितना है, 6 है। तो इस प्रकार से रिपीटेटिव सीक्वेंस प्रत्येक इंडिविजुअल के अंदर कैसी होगी, अलग अलग होगी, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर अलग अलग होगी, पॉलीमॉर्फिज्म यहाँ पर देखने को हमको मिलेगी। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर अंदर ये रिपीटेटिव सीक्वेंस अलग अलग होगी, साथ ही साथ में जो होमोलोगस क्रोमोसोम है उसके अंदर भी हमको वेरिएशन देखने को मिलता है जो रिपीटेटिव सीक्वेंस है उसके अंतर्गत, ठीक है। रिपीटेटिव सीक्वेंस मतलब जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है उनकी जो लेंथ है वो प्रत्येक व्यक्ति के अंदर तो अलग अलग देखने को मिलेगी, साथ ही साथ में हमको जो क्रोमोसोम है होमोलोगस क्रोमोसोम उसके अंदर भी हमको क्या होगा, डिफरेंस देखने को मिलेगा, मतलब पर्टिकुलर लोकस पर हमको वो जो वेरिएशन है वो देखने को मिलेगा, पॉलीमॉर्फिज्म वो शो करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास में ए एक्विस्ट है और बी एक्विस्ट है, हमने उसका जो रिपीटेटिव सीक्वेंस है वो हमारे पास में आ चुका है। अब हम इसको पूरी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के प्रोसेस के माध्यम से, जब इसको हमने रेडियो लेबल्ड मतलब पूरी प्रोसेस किया, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा इसको सेपरेट करने का काम किया, तो हमारे पास जो सैंपल प्राप्त हुआ, किस प्रकार से सैंपल प्राप्त होंगे हमारे पास में, तो ए का जो सैंपल प्राप्त होगा कुछ इस प्रकार से, मैं यहाँ बना देता हूँ, कुछ इस प्रकार से प्राप्त होगा ए का अपने पास, ये 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, इस प्रकार से एक हमको प्लेट हमने ली है। और इसमें हमको इसका किस्सा प्राप्त होगा, जब हमने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के माध्यम से इसको करेंगे सेपरेट करेंगे, तो जो हेवियर पार्टिकल्स है वो क्या मतलब जो लॉन्ग हेवियर नहीं लॉन्गर पार्टिकल्स होंगे वो कैसे रह जाएंगे, ऊपर की ओर रह जाएंगे, और जो शॉर्टर पार्टिकल्स होंगे वो कैसे हो जाएंगे, नीचे की ओर चले जाएंगे। तो यहाँ पर इसमें सबसे हेवियर पार्टिकल्स कौन सा है, सॉरी फ्रेगमेंट कौन सा है, 11 वाला है, तो 11 वाला यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा, सबसे लार्जर हमारे पास में 11 वाला यहाँ प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद में देखें यहाँ पर दूसरा को नंबर कौन सा है, 8 वाला है, तो 8 वाला आपको यहाँ देखने को मिलेगा, कुछ पैटर्न इस प्रकार से 8 वाला सेगमेंट हमको यहाँ देखने को मिलेगा, हम सिंगल लाइन के द्वारा दिखाए ना इसको, 11 वाला यहाँ देखने को मिलेगा, 8 वाला यहाँ देखने को, इसके बाद में कौन सा 7 वाला है, 7 वाला आपको कुछ यहाँ देखने को मिलेगा, और उसके बाद कौन सा है, 4 वाला है, तो 4 रिपीटेटिव सीक्वेंस वाला है, हमको यहाँ देखने को मिलेगा, देन उसके बाद 2 और उसके बाद में 1, तो कुछ इस प्रकार से पैटर्न हमको यहाँ मिला, किसका, इंडिविजुअल 1 का, या हम जो एक्विस्ट 1 है उसका पैटर्न कुछ इस प्रकार से हमको देखने को यहाँ पर मिला, जब हमने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की प्रोसेस करी। एक्विस्ट बी जो होगा उसका जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का जो हमको इमेजेस प्राप्त हो रही है कुछ वो इस प्रकार से होगी, देखिए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के माध्यम से अपन पूरा करेंगे इसको, और उसके बाद में ऑटो रेडियोग्राफी करेंगे, तो क्या होगा, हम यहाँ पर नंबरिंग कर ले हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए, ताकि समझ में आ जाए, 12 11 10 9 8 7 6 5 4 2 सॉरी 5 4 3 2 1 एंड 0 जो भी है। अब इसमें देखें तो सबसे लॉन्गर जो फ्रेगमेंट्स कौन सा दिखाई दे रहा है आपको, इंडिविजुअल वन सॉरी बी के अंदर जो एक्विस्ट बी हमारे पास संदेही जो है बी वाला है, उसके पास में जो सबसे ज़्यादा लंबा सीक्वेंस या हम बोले रिपीटेटिव सीक्वेंस जो है 12 वाला हमको दिखाई दे रहा है, तो हमको एक जो मिलेगा वो कहाँ मिलेगा, 12 पर मिलेगा, एक बैंड कहाँ मिलेगा, 12 पर ये बैंड प्राप्त होगा। दूसरा देखें तो कौन सा मिल रहा है, 9 वाला मिल रहा है, रिपीटेटिव सीक्वेंस कौन सा, 9 वाला,
तो ये नाइन वाला हमको यहाँ मिलेगा। उसके बाद में कौन सा दिखाई दे रहा है हमको, नाइन के बाद में देख सिक्स वाला, तो एक सीक्वेंस आपको दिखाई देगी सिक्स वाली, उसके बाद में फाइव, देन फाइव के बाद में आपको थ्री, तो कुछ इस प्रकार से सीक्वेंस आपको देखने को मिली। अब ये वाला जो है वो आपका इंडिविजुअल ए का है फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, और ये वाली है जो इंडिविजुअल बी की फिंगरप्रिंटिंग है। अब क्या करेंगे हम, दोनों का इंडिविजुअल ए और इंडिविजुअल बी दोनों के फिंगरप्रिंट की मैचिंग इस जो सैंपल वहाँ से प्राप्त हुआ है हमको, जो क्राइम सीन है वहाँ पर जो सैंपल प्राप्त हुआ उसके साथ में मैच करने का काम करेंगे। देखिए तो कुछ इसके साथ में देखें तो 12 वाले पे और हमारे पास में देखने को नहीं मिल रहा है, इसमें देखिए 10, तो 10 भी हमारे पास में फ्री है, ये वाली इमेज भी हमको क्या पर दिख रहा है, फ्री दिख रहा है। उसके बाद यहाँ देखें तो 7 की स्थिति, तो 7 पर हमको 7 सॉरी 6 वाली जो है उस पर हमको यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। उसके बाद नीचे जाएंगे तो आपको 5 वाली पोजिशन पर भी खाली दिखेगा, और फिर नीचे जाएंगे तो आपको कौन सा 3 वाली पोजिशन भी कैसी रहेगी इसकी खाली दिखेगी। तो मतलब अब इसके साथ में यदि हम करें तो 11 के ऊपर यहाँ पर मैच कर रहा है, ये पोर्शन मैच कर रहा है 11 वाला। उसके बाद यहाँ देखें तो आपका 8 वाला पोर्शन जो है वो मैच कर रहा है, ये वाला पोर्शन 8 वाला पोर्शन यहाँ मैच कर रहा है। उसके बाद यहाँ देखें तो 7 वाला, और उसके बाद में 4 वाला, 2 वाला, और ये 1 वाला, मतलब पूरा का पूरा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जो इमेज है वो किसके साथ में मैच कर रही है, इस इमेज के साथ में मैच कर रही है ए वाले के साथ में। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर एस्टेब्लिश होता है कि जो सैंपल हमने क्राइम सीन से कलेक्ट किया था वो इस व्यक्ति का है, ठीक है। तो एक्यूज्ड ए जो है ये दोषी सिद्ध इस विधि के द्वारा यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के माध्यम से हम जो मिस्टिस केसेस होते हैं, जो अनसुलझे केस होते हैं जिनको सॉल्व नहीं कर पा रहे, उसमें हम क्राइम के अंदर इसका यूज़ किए जाते हैं। उसी प्रकार से हमने बताया कि जो पेटर्नल डिस्प्यूट से उसके अंदर भी इसका उपयोग किया जाता है, कोई क्लेम करता है किसी व्यक्ति के ऊपर कि ये मेरे फादर है, तो उस केस के अंदर माता पिता और जो क्लेम करने वाला बच्चा है जो भी है उसका भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किया जाता है। और जितना यदि उसके साथ मैच करेगा, यदि जो क्लेम कर रहा है वो उसका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग यदि उस पेरेंट्स के साथ में मैच कर रहा है तो वो पेरेंट्स दोषी सिद्ध होते हैं और उनको फिर उसे अपनाना पड़ेगा, बच्चे को जो भी केस है उसके अंदर वो दोषी सिद्ध हो जाते हैं। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के माध्यम से ये चीज़ें होती है, क्राइम जो है उसके जो केसेस है उसको सुलझाने के लिए और जो पेटर्निटी डिस्प्यूट है उसको सुलझाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो आपको ये मालूम हो गया, मतलब जो याद रखने वाली बात है इसमें कि इसका जो डिस्कवर किया था वो एलेक्स जेफ्री के द्वारा किया गया था। और एक चीज़ और है, भारत के अंदर जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का जो कार्य है वो लालजी सिंह, शायद मुझे याद है यहाँ तक, हाँ लालजी सिंह के द्वारा किया गया था, इसलिए इसे इन्हें फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, तो इंडिया के अंदर इनको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इनको कहा जाता है, ठीक है। ये हो गया आपका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में। यदि इसके अंदर यदि कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट्स के अंदर हमें बता सकते हो, तो इसके अंदर हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ओके,